मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। प्रदेश के अधिकतर जिलों में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में आज सुबह से ही तेज आंधी चल रही है। आसमान में अचानक काले बादल छा जाने से अंधेरा सा छा गया है। प्रदेश के कई जिलों में तेज गर्जना के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी है। हालांकि राहत की बात यह है कि कुछ जगहों पर बारिश का दौर भी देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। इससे पहले आपको बता दें, प्रदेश के अलग अलग जिलों से खबरें आ रही है कि तेज अंधड़ से कई इलाकों में मकान की छतों पर लगे टिन छप्पर उड़ गए हैं। राजधानी जयपुर के महेश नगर इलाके में एक पेड़ गिरने से कार क्षतिग्रस्त हो गई है। आपको बता दें, राजस्थान में आज सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे बाजार खुलने थे। लगभग 21 दिनों के बाद बाजार खुलने थे, लेकिन मौसम ने इनका साथ नहीं दिया। वैसे आपको बता दें, मौसम विभाग ने बुधवार को राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के चूरू, नागौर, झुंझुनू, सीकर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली इन जिलों में हल्की बारिश से मध्यम बारिश के साथ आंधी, ओलावृष्टि और धूल भरी आंधी की चेतावनी जारी कर दी थी और वैसा ही देखने को मिल रहा है। और मौसम विभाग ने आगे भी इन जिलों को लेकर चेतावनी जारी कर दी। मौसम विभाग के अनुसार यहां लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों में भी तेज आंधी का अलर्ट पहले से ही जारी कर रखा है। इसके अलावा विभाग ने आगामी 5 जून तक जयपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर व कोटा संभाग में तेज अंधड़ के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर और श्रीगंगानगर जिले में धूल भरी आंधी व वज्रपात के साथ तेज हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान प्रदेश का मौसम कुछ इसी प्रकार का रहेगा। जम्मू कश्मीर पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर वैसे तो राजस्थान के कई जिलों में सुबह से ही देखा जा रहा है, लेकिन दोपहर के बाद इसके लगभग सभी जिलों में तेज आंधी के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की जा सकती है। तो यही थी प्रदेश के मौसम को लेकर विशेष रिपोर्ट राजस्थान की। बाकी तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।